नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफने पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जहां पर ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। जिले में सभी मॉल में लगेंगे सर्टिफिकेट, दोनों डोज लगने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग देगा कर्मचारियों को सर्टिफिकेट। एम्बुलेंस मॉल में सभी को दोनों डोज लगेगी, दुकानदार और कर्मचारियों को दोनों डोज लगी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम, जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों को सर्टिफिकेट देगा और ओमिक्रॉन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तमाम मॉल में सभी कर्मचारियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। तो गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की गई। दरअसल शहर की जिस भी बिल्डिंग, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंस, जिसे भी कर्मचारी और वहां रहने वाले लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, तो उनको स्वास्थ्य विभाग एक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगा, जिससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि इन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन लग चुकी है। बता दें कि एम्बुलेंस मॉल में अब तक सभी दुकानदार और कर्मचारियों को दोनों डोज लग चुके हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस मॉल को एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने यह साफ कर दिया है कि यहां सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।